इनकी सोच, चाल, चरित्र, चेहरे में अंतर है। हमेशा इन्होंने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देना कोई ड्रामा है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। मौर्य का महासचिव पद से इस्तीफा और पार्टी में बने रहना किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के महासचिव से इस्तीफा दिया है, लेकिन सपा को छोड़ कोई और पार्टी उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। वैसे भी रामायण की चौपाई पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार मामला सपा के महासचिव से इस्तीफा का है। अब उनके इस्तीफा पर दूसरी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कि समाजवादी पार्टी केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है, ये जो तीन टिकट हैं पीडीए का इससे कोई लेना देना नहीं, पीडीए पूरी तरह से गायब है और ये इनकी सोच, चाल, चरित्र, चेहरे में अंतर है। हमेशा इन्होंने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अब ये उनका, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले लोग का वास्तव में कोई भी दलितों, पिछड़ों से लेना देना नहीं है। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कर रहे हैं, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है तो दोनों लोग, अखिलेश जी और स्वामी जी, दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे, अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। आज इस जब ये पूजन करने लगे तो इसे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो, हमसे कम ये होगा ना कि नहीं भाई। वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। ड्रामा किस बात के लिए? ड्रामा इस बात का, एमएलसी से क्यों नहीं दिया? विधान परिषद बने रहेंगे सपा से और संगठन से इस्तीफा दे दिए, इसका कोई मतलब है? संगठन तो आज हैं, कल फिर बना दिए जाएंगे। आज हटा दिए गए, इस्तीफा दे दिए, नहीं मंजूर होगा, लेकिन एमएलसी का देंगे तो मंजूर हो जाएगा ना। सपा के महासचिव पद से इस्तीफा देने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत एक्सप्रेस यूपी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने अपने इस्तीफे की कई वजहें बताई। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिनका एक बयान सियासी तापमान बढ़ा देता है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, वजह क्या थी? वजह तो पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूं, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए उनके विचारों के अनुरूप समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और साथ ही साथ मानव काशीराम जी, शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा, रामसु वर्मा जी, डॉक्टर रामन लोहिया जी, आज ने जो नारा दिया था, किसी ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो किसी ने कहा था सुशिष्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो किसी ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, तो किसी ने नारा दिया था 85 बनाम 15 का। तो हमने भी सपा में सम्मिलित होने के दिन ही कहा था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हम इसी अभियान को निरंतर गति दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के कुछ स्वयंभू बड़े नेता जो बड़े अहदेदार भी हैं, जब ये कहकर के इस अभियान की हवा निकालने की कोशिश करते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है, तो मुझे ताजुब होता है कि पार्टी की हितैषी हैं या पार्टी के दुश्मन हैं, जो पार्टी की जनाधार बढ़ाने का ही अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। इस बात की मैंने जानकारी परसों व्यक्तिगत वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया, कल पत्र के माध्यम से भी मैंने उसको भेजना उचित समझा, और इसीलिए
उन सारी बातों को समेटते हुए पत्र में समाहित कर मैंने अपना त्यागपत्र भेजा है। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष करना है। आप कह रहे हैं कि आपके साथ समाजवादी पार्टी में ही भेदभाव होता है, तो जब उस पार्टी में भेदभाव हो रहा है तो फिर रहने का क्या मतलब? अब क्या करना क्या नहीं करना हम तय करेंगे। अब आवश्यकता होगी मैं आप लोगों की सलाह भी ले लूंगा, लेकिन अब फिलहाल अभी गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है। हम अनुशासित कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय का प्रतीक्षा करेंगे। आप कई बार मंत्री रहे, कद्दावर नेता है, जनाधार है आपका, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा टिकट वितरण को लेकर और राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर ये नाराजगी है, क्या सच्चाई है? देखिए, अगर वो नाराजगी होती तो मैं बंद कमरे में बैठ करके उस पर बात कर लेता। त्याग पत्र का कारण त्याग पत्र में स्पष्ट है, उसके अतिरिक्त कोई और भी कारण नहीं है, कोई और बिंदु नहीं है, शुद्ध रूप से वो त्याग पत्र है, जो लिखा है वही उसका कारण है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, राज्यसभा का टिकट वितरित किया गया, क्या समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है? देखिए, यद्यपि पीडीए के मानक पर राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन भी तीन नामों को चयनित किया है उनका मैं स्वागत करता हूं, और विशेष स्वागत करता हूं माननीय सुमन जी का, जो पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, कई बार मंत्री सांसद विधायक रहे हैं, पार्टी के मानक को भी पूरा करते हैं। शेष दो जो मानक पूरा नहीं करते उनका भी स्वागत करता हूं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी वरिष्ठता और पार्टी के प्रति पूर्व में किए गए योगदान को देखते हुए मौका दिया है, तो उन्हें भी मेरा शुभकामना है, उनकी भी प्रत्याशिता का मैं स्वागत करता हूं, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। समाजवादी पार्टी के कई नेता आपको लेकर कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, कई बार तो उन्होंने काफी हद तक आगे बढ़ के टिप्पणी कर दी, क्या कहें? देखिए, कौन क्या टिप्पणी करता है मेरे कान से सुनता हूं, दूसरे निकाल देता हूं, लेकिन गौरतलब ये जरूर हो जाता है तब जब पार्टी का कोई जिम्मेदार बड़ा अहदेदार ये कहकर के सांसद मुद्रा का निजी बयान है, तो हैरानी जरूर होती है, सोचना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है कि ऐसे लोग जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो पार्टी को अपना आला कमान कहते हैं, वो अपने व्यवहार से लगता है कि पार्टी की हितैषी नहीं, पार्टी की दुश्मन है, इसीलिए मेरा हर बयान उनको निजी बयान लगता है। आप पिछड़ों की लड़ाई की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन आपका लगातार अपमान आप ही के दल के लोग कर रहे हैं, तो क्या किसी अन्य विकल्प की तलाश में आप हैं? देखिए, व्यक्तिगत बयान कोई माने नहीं रखता है, लेकिन अगर पार्टी विरोधी कोई बयान है तो उसके विषय में जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए, वो मैंने परसों दिया है और कल मैंने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है। क्या अखिलेश यादव का फोन आया? अरे, उनके काले से एक नहीं कई फोन आ गए, बात इसकी नहीं है, निर्णय क्या करना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है और हम उनके अंतिम निर्णय का इंतजार करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्यन्दू राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य अब सफाई में चाहे जो भी कहें, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हलक से नीचे नहीं उतर रहा कि उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा तो दे दिया लेकिन पार्टी में अभी भी जमे हुए हैं। क्या ऐसा करके समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रही है, जितना नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।